नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुझे कदम कदम पर, गजानंद माधव मुक्त बोध की कविता है, हिंदी। ए है आपका बीए सेकंड ईयर और थर्ड ईयर दोनों की सेम किताब है, ठीक है। तो इसका ही चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज सेकेंड। सबसे पहले आता है पाठ का सार। कवि किसी गहन विषय पर लिखना चाहता है, परंतु जैसे ही वह अपनी दृष्टि चारों तरफ डालता है तो उसे एक नहीं अनेक ऐसे विषय दिखाई दे जाते हैं जिन पर लिखा जा सकता है। वह सभी विषयों को टटोलना चाहता है, यानी सभी विषयों को पर लिखना चाहता है, उनको एकजुट करना चाहता है ताकि उनमें से उसे कोई एक ऐसा विषय मिल जाए जिस पर वह लिख सके। इसलिए प्रत्येक पत्थर में उसे हीरा नजर आता है। तो ये लाइन सी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कवि को प्रत्येक पत्थर में हीरा क्यों नज़र आता है। इसके साथ साथ वह यह भी पाता है कि ऊपर से सुखी दिखाई देने वाला जो व्यक्ति है वो अंदर से किसी ना किसी महापीड़ा या फिर पीड़ा से दुखी है, यानी कि अपनी समस्याओं से दुखी रहता है। वह उन सभी व्यक्तियों की समस्याओं को सुनना चाहता है और स्वयं को उनसे मिलता है, स्वयं जाकर उनसे मिलता है, यानी खुद जाकर उनसे मिलता है। परंतु आज का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि वह स्वयं तो पीड़ा से घिरा रहना चाहता है, परंतु किसी अन्य से बातचीत करके वो अपना मन हल्का नहीं करना चाहता। मतलब कहने का ये है कि कवि एक ऐसे विषय के ऊपर लिखना चाहता है जिससे मतलब कि लोगों को फ़ायदा भी हो, समाज को भी फ़ायदा पहुंचे, पर उसे एक नहीं ऐसे अनेक विषय मिलते हैं जिनके ऊपर लिखा जा सकता है। वो चाहता है कि इन सभी विषयों पर लिखा जाए, पर वो कन्फ्यूज़ है कि वो स्टार्टिंग कहाँ से करे, ऐसा कौन सा विषय है जिससे कि सबसे ज़्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, ये चीज़ कही गई इसमें, परंतु ठीक है ये हो गया। कवि समाज की समस्याओं को कहानी के रूप में संजोकर आगे बढ़ता है, तो वह पाता है कि इन सबको मिलाकर एक उपन्यास रचा जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक पोयम, एक कहानी इसके ऊपर लिखी जा सकती है, पूरी पूरी किताबें भी, उपन्यास भी इसके ऊपर लिखा जा सकता है, क्योंकि इनमें जो है लोगों की दुख की कथाएँ शामिल हैं, शिकायतें शामिल हैं, किसी का अहंकार शामिल है, किसी का चरित्र शामिल है, कुरान की सुर से लेकर बाकी सब चीज़ इसके अंदर इसमें सुनने को हमें मिलती है। कभी जब इन अनुभवों को आगे लेकर बढ़ता है तो वह पाता है यदि 100 वर्ष भी जीने का मौका मिले तो भी वह इन समस्याओं पर लिखना समाप्त नहीं होगा। यानी कि इतनी सारी समस्याएं हैं, इतने सारे टॉपिक लिखने के लिए कि अगर 100 साल तक की ज़िंदगी भी मिल जाए तो भी टॉपिक ख़त्म नहीं होने वाले हैं। इसके साथ साथ घर पर भी समस्याओं का अंबार उसके सामने नज़र आता है। अंत में कवि निष्कर्ष निकालता है कि आज के ज़माने में रचनाकार के पास लिखने के लिए अनेक ऐसे विषय हैं, ठीक है, अन्य विषयों की कमी नहीं है, विषयों का बिल्कुल अंबार है, यानी कि पहाड़ है, परंतु समस्या यह है कि उसे सारी समस्याओं में से किस ऐसे विषय पर लिखा जाए जिसका समाज को उचित लाभ मिल सके। वैसे दोस्तों आपकी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आता है पाठ का प्रतिपाद। यह वही चीज़ है दोबारा से, यहाँ मतलब ऐसे ही दर्शाई गई है थोड़े से सही समझने के लिए, थोड़े मतलब विस्तार में बताया गया है। कविता है जिसका नाम है मुझे कदम कदम पर, जो कि मुक्त बोध के कव्य संग्रह से ली गई है, जिसका नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, उसमें से कविता ली गई है और यह कविता जो है दिसंबर में 1961 में 84 शीर्षक से लहर में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो इसके जो टॉपिक है ना, टॉपिक के अंदर बताया गया है सिर्फ यहाँ पे जैसे कि विषय का भटकाव क्या है, जैसे कि कवि भटक गया है कि वह किस विषय पर लिखे। जब वह लिखने की सोचता है तो उसे एक नहीं ऐसे बहुत विषय मिल जाते हैं जिनके ऊपर वो लिख सकता है, जो सभी महत्वपूर्ण उसे नज़र आते हैं, कवि को भटकाते हैं, जो विषय कवि को भटकाते हैं। वह किसी विषय पर लिखे, किस विषय पर लिखे और किस विषय पर ना लिखे, ये चीज़ जो है कवि को थोड़ा गुमराह करती हैं, कंफ्यूज करती है। कवि को जो है सारे ही विषय अच्छे लगते हैं, वो सभी विषयों पर लिखना चाहता है, उनकी गहराइयों में जाकर उनका तथ्य निकालना चाहता है, निचोड़ निकालना चाहता है कवि उनका। ठीक है, दूसरा आता है विषय की पहचान, यानी सब्जेक्ट की पहचान। कवि को भ्रम है इस बात का कि साधारण से साधारण दिखाई देने वाला व्यक्ति भी किसी न किसी गुण के कारण जो है वो हीरे के समान है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। साथ ही यह भी महसूस करता है कवि कि प्रत्येक प्राणी की वाणी में जो है कुछ न कुछ पीड़ा अवश्य है, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए, पर हर व्यक्ति के अंदर उसका दुख, उसका अहंकार, सब चीज़ होती ही है।
ऐसा कवि कहता है। कवि उन सभी पीड़ा को गहराई में जाकर अनुभव करना चाहता है। जब वह जगह जगह घूमता है तो वह थक जाता है, परंतु उसे बुरा नहीं लगता। और साथ साथ कवि जो है कई बार ठगा भी जाता है, अब कवि उस बात का भी बुरा नहीं मानता है। अब आता है विश्व का अधिकय। जब कवि बहुत सारी राहों से गुजरकर विभिन्न विषय जमा कर लेता है, यानी काफ़ी सारी चीज़ों को देखकर कवि जब कुछ विषय अपने पास जमा कर लेता है, अच्छे लगे जो इम्पोर्टेंट हो उस तरीके के, तो उनके पास इतनी सारी सामग्री इकट्ठी हो जाती है, इतना सारा सब्जेक्ट या इतना सारा मसाला इकट्ठा हो जाता है कि वो उन सब पे जो है एक उपन्यास भी लिख सकता है। इन विषयों में कहीं पे दुख की कथाएं हैं, कहीं पे लोगों की शिकायतें हैं, कहीं पे प्यार की बातें हैं। इन सबको एक जगह कर कवि को लगता है कि अभी उसे 100 बरस और जीना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर लिखने के लिए, ठीक है, यानी कि 100 बरस भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि इतने सारे विषय जमा हो गए हैं, उन पर लिखते लिखते जीवन छोटा पड़ जाएगा। घर आकर भी कवि को और भी ऐसे विषय मिल जाते हैं जो बाहर फैलाए बैठे हैं, यानी कि उन विषयों में और भी ज़्यादा विषय अटैच हो जाते हैं कि और वो विषय कह रहे होते हैं, जैसे मानो कवि से कह रहे हैं कि कवि आए और उनके ऊपर लिखें। अब लास्ट आता है निष्कर्ष, 4th पॉइंट। इस प्रकार कवि जो है अध्ययन करके देखता है कि आजकल रचनाकार के पास लिखने के लिए अनेक विषय है, विषयों की कमी नहीं है, परंतु समस्या केवल सही विषय चुनने की है, और ये काफ़ी बड़ी समस्या है सही विषय चुनने की। इस प्रकार सही विषयों का चुनाव करने का काम इतने काम के लिए बहुत ही कठिन कार्य बन जाता है, ठीक है। सही विषय का चुनाव करने के लिए ये काम जो है काफ़ी कठिन बन जाता है, काफ़ी आसान काम भी कठिन बन जाता है। और इसके साथ ही वीडियो भी समाप्त होती है, मिलती हैं अगली वीडियो में। बाकी इस पूरी वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं, कुछ गड़बड़ थी मैंने सही कर दी है वो, ठीक है। और बाकी जो है प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी हिंदी ए की, ठीक है, सेकंड और थर्ड ईयर की ए के प्लेलिस्ट होगी, उसमें मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।